तो लखनऊ से एक खबर है कि मनरेगा मजदूरों के हित में यूपी सरकार एक बड़ा फैसला ले चुकी है और मनरेगा मजदूरों को भी पेंशन और आवास सुविधाएं मिलेंगी। निर्माण श्रमिकों को 15 योजनाओं का लाभ मिलेगा। एक साल में न्यूनतम 90 दिन काम करने वाले मजदूरों को फायदा होगा। श्रमिकों के कल्याण की 15 योजनाओं का लाभ मनरेगा मजदूरों को होगा। तो मनरेगा मजदूरों के हित में यूपी सरकार का बड़ा फैसला यह है। एक साल में न्यूनतम 90 दिन काम करने वाले मजदूरों को फायदा होगा। श्रमिकों के कल्याण की 15 योजनाओं का लाभ मनरेगा मजदूरों को होगा। इसके अलावा मनरेगा मजदूरों के हित में यूपी सरकार का यह बड़ा फैसला रहेगा। खबर सहारनपुर से, जहां पर किसान आंदोलन पर बोले योग गुरु रामदेव, कुछ बातें सरकार को और कुछ बातें किसानों को मान लेनी चाहिए। यह आंदोलन लंबा नहीं होना चाहिए, योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा। अन्नदाताओं का भी तिरस्कार ना हो और सरकार की नीतियां भी प्रभावित ना हो। सरकार ने साफ किया है कि एमएसपी खत्म नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया में कृषि से संबंधित रिफॉर्म्स हो रहे हैं, भारत सरकार भी यही चाहती है जिससे कि अन्नदाता का भला हो। जिले में पतंजलि मेगा स्टोर का उद्घाटन करने पहुंचे थे योग गुरु बाबा रामदेव। अर्थव्यवस्था में इस देश को आर्थिक स्वावलंबन बनाने की दिशा में हम एक बड़ा योगदान दे पाए तो उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं और नए वर्ष पर कुछ नई घोषणाओं के साथ भी आपसे जल्दी मिलेंगे। बाबा जी, जैसे किसान जो है उस पे है, सड़कों पे है, आंदोलन हो रहा है, तो क्या लगता है कि केंद्र सरकार सुन नहीं रही है? किसानों का एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और मुझे लगता है इसमें और ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए आंदोलन को। कुछ बातें सरकार को और कुछ बातें किसानों को मान करके एक बीच का रास्ता इसमें ज़रूर निकालना चाहिए। अन्नदाता का भी किसी प्रकार से तिरस्कार ना हो और सरकार जो करना चाहती है एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, और आज पूरी दुनिया में सभी क्षेत्रों में क्रांति हो रही है, तो कृषि क्षेत्र में भी दो तरह से विकास की संभावनाएं हैं।